इसका क्लाइंट भूत है ये पता चला? इसका तुम लोग कोई सबूत लेकर आए हो? मैं जब इसके क्लाइंट को बोतल में बंद करूंगा अपने आप सबूत सामने आ जाएगा। तेरा प्लान तो मैं चौपट करके ही दिखाऊंगा प्रीतम। पावर कट और इसी के साथ प्रीतम का प्लान। प्यारे के हाथ से आज तक कोई भी भूत नहीं बचा है, समझे बिगड़ी शर्मा? अरे भूत नहीं इंसान है वो। मेरी केस खराब करना चाहता है ना तू? जानबूझ के ऐसा बोल रहा है ना? लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं इसे पकड़ के ही रहूंगा। मेरे होते हुए तू मेरे क्लाइंट का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझा? प्रीतम मेरी बात तो सुन। क्या हुआ? मैंने ऐसी एंट्री मारी प्यारे हाथ में वैक्यूम क्लीनर लेके खड़ा हुआ था यूं। मैंने तकिया लिया और फेंक के मारा, सीधा वैक्यूम क्लीनर पे चिपक गया। एक दुर्घटना होने से बच गई और प्यारे वहीं का वहीं यूं खड़ा हुआ। सॉरी, तू एक मिनट बाद क्यों नहीं आया? तब तुझे पता चलता कि तेरा क्लाइंट भूत है, क्योंकि तब तक तेरा क्लाइंट वैक्यूम क्लीनर के अंदर चला गया होता। लेकिन तुझे तो मुझ पर यकीन करना ही नहीं है ना कि क्लाइंट भूत है और वो टीवी हवा में उड़ा सकता है। टीवी हवा में उड़ा सकता है? हाँ मेरी जी। How is it possible? प्रीतम इसका मतलब कि तुम्हारा ही क्लाइंट भूत है? हाँ। अरे मेरी जी कहानियां बना रहा। मैं इसके क्लाइंट के कमरे में गया, वो 15 फीट दूर खड़ा हवा में हाथ लहराता, थप्पड़ मेरे गाल पे पड़ता था। हाँ थप्पड़ तो पड़ना ही था ना, जब किसी इंसान को बार बार भूत है भूत है भूत है कहेगा तो थप्पड़ तो पड़ेगा ही ना, क्यों मेरी जी? नहीं प्यारे, इट्स नॉट पॉसिबल कि कोई इंसान 15 फीट दूर खड़ा हो और थप्पड़ मारे और इसको लगे। नहीं, आई थिंक तुम्हारा ही क्लाइंट भूत है। ओहो मेरी जी, अभी कितनी भोली हो, बिल्कुल मेरी तरह। अब किस पे यकीन कर रही है? इस पे? अरे ये भी कहानियां बना रहा है। इसने कहा ये भी कहानियां बना रहा है, ये भी मतलब ये तो बना ही रहा था। हे देख मैं नहीं, तू कहानियां बना रहा था। एक मिनट मेरी बात सुनो। देखो ऐसे तो तुम लोग लाइफ टाइम झगड़ते रहोगे और ये पता ही नहीं चलेगा कि किसका क्लाइंट भूत है। तो फिर आप ही बताइए। ओके मैं बताती हूँ। एक काम करते हैं, बारी बारी मैं तुम्हारे क्लाइंट के पास चलती हूँ और फिर मैं ही डिसाइड करूंगी कि किसका क्लाइंट भूत है। ओके ओके मैरी जी। तो मैरी जी एक काम करते हैं, पहले मेरे क्लाइंट के पास चलते हैं। क्यों 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 मेरी जी, तुम्हारे साथ क्यों जाएगी? मेरी जी आप मेरे साथ चलिए। किसका क्लाइंट है? मेरा मेरी जी। ओके तो तुम चल। चलो चलिए मेरी जी। चलो ओह गॉड प्रीतम यू ओके? मेरी जी आई एम परफेक्टली फाइन। ओके मेरी जी हाँ आप अंदर चलिए, आपको मैं दिखाता हूँ, आप देख के हैरान हो जाएंगी, उसका क्लाइंट भूत है। हाँ हाँ प्रीतम मैं क्या बोल रही हूँ कि मैं यहाँ से छुप कर देखती हूँ ना। हाँ मेरी जी आप चलिए चलिए। नहीं यहाँ से मैं ज्यादा अच्छे से डिसीजन ले पाऊंगी ना। अच्छा ठीक है हाँ आप यही रुकिएगा। फिर यहां आ गया, निकल यहां से निकल। डर गया? हाँ द ग्रेट घोस्ट बस्तर को देख के कब कभी मच गई, प्रीतम से घबरा गया तू? हाँ बहुत बड़ा भूत पकड़ने वाला एक्सपर्ट है ना तू? हाँ आज देखता हूँ कितना बड़ा एक्सपर्ट है। आज तो तू गया काम से। अरे किधर है, कहाँ गया, किधर गया? देखा मैं वो गायब हो गया। मैं कह रहा था वहां को मुंह छोड़िए, उसे क्या कर रहे हैं? इसका तो मुंह बंद है। Get it! Get it!
औरों की तरफ बोतल बोल बोल बोतल बंद करेगा अगर तू मेरी जी को होश में लाने का क्रेडिट मुझे देना चाहता है तो मैं लेकर आता हूँ। नहीं, नहीं, नहीं। मैं हूं ना, मैं ले आऊंगा। क्या ला? हो गया। अरे मेरी जी होश में आ गई। मेरी जी आप होश में आ गए। मैंने पानी मारा आपके मुंह पे ऐसे ऐसे। आ गए? ठीक तो है बेटा। तो चलिए ना। कहाँ? नारियल पानी पीने। अरे नहीं, वो आपको वीकनेस फील हो गई है इसलिए। अरे मैं ठीक हूँ। वो भूत? वो भूत कहाँ गया? भूतों को छोड़िए ना मेरी जी। हमें सच बताइए, आपने प्रीतम के क्लाइंट को मुझे हवा में उड़ाते हुए देखा, इसी वजह से आप बेहोश हो गई है ना? प्रीतम तुम्हारा क्लाइंट सच में भूत है। देखा? नहीं देखा। लेकिन मेरी जी ने तो देखा ना, और मेरी जी ने बताया भी, और मेरी जी कभी झूठ नहीं बोल सकती ना मेरी जी। हाँ प्यारे, लेकिन तुम्हारा क्लाइंट भी भूत है। हाँ, सुना, मेरा क्लाइंट भी भूत। हाँ, वो क्या है, वो गुदगुदी शर्मा और लप्पड़ शर्मा, वो दोनों भूत है। मेरी जी आपने ज्यादा स्ट्रेस ले लिया, आप थक गई हैं, आप आराम कीजिए। प्रीतम मेरी, आप फिर से बेहोश हो जाइए। आप फिर से आराम कीजिए। नहीं तुम, मैंने अपनी आंखों से देखा है प्यारे, कि वो दोनों भूत हैं। तुम लोगों को मेरा यकीन नहीं है? नहीं मेरी जी। हाँ नहीं मेरी जी, है मेरी जी। मेरी जी मुझे तो आप पर पूरा यकीन है। मुझे आप पे पूरा का पूरा यकीन है। लेकिन अभी भी लेकिन तो ठीक है जाओ, तुम खुद अपनी आंखों से देख कर आओ कि तुम दोनों के क्लाइंट्स भूत हैं। जाओ। और हाँ सुनो, दोनों अपने अपने क्लाइंट्स के रूम में जाना, वो भी चुपचाप। यहाँ पे तो सब नॉर्मल है। ये कुदकुदी तो भूत निकला, मैं तो खामखा मेरी जी पे शक कर रहा था। यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है, यानी मेरा क्लाइंट इंसान ही है। हो गई जॉगिंग। जॉगिंग के साथ थोड़े डंबल्स भी हो जाए। इसका मतलब मेरी जी ने सही कहा था। बहुत
नहीं कह रहे थे लपर शर्मा कुलकुली शर्मा दोनों भूत है। हाँ, तो मैंने तो कहा ही था। उल्लू बनाया उन दोनों उल्लुओं को। उल्लू बनाया उन दोनों उल्लुओं ने हम दोनों को। भागो भागी 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 भागो भागी भागो भागो। अरे मैं भी हूँ। दरवाजे के नीचे अंदर मेरी दरवाजे नहीं मेरी जी का है मेरी जी का मेरी जी का अपनी जान बचाने के चक्कर में मेरी मेरी जी को छोड़ के आए बस बस अभी मेरी जी करता अब तू छोड़ के आया ना कहाँ भाग रहे हो प्रीतम? अरे तुम भूत पकड़ने में नंबर वन हो ना? हो ना? हो ना? तो फिर मेरे इस भाई को बोतल में बंद करके दिखाओ अभी के अभी। यारे तुम नंबर वन हो ना? Well, thank you. इसे बोतल में बंद करो ताकि ये घर हमारा हो जाए। नप्पड़ भैया, ये घर हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। अरे वाह, आपका है तो आपका ही रहेगा। सुलह हो गई दोनों भी, चल चलते। हमारा मतलब मेरा है, सिर्फ मेरा। में मेरे लड्डू चुरा के खाया करता था और बड़ा होने के बाद इस घर पे नजर गाड़ दिया। अरे नजर तो आपकी है मेरे बंगले पे भैया, बचपन में मेरे खिलौने चुराते थे ना, और अब मेरा ये बंगला भी हत्याना चाहते हो? लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। ये बंगला मेरा है। अरे आप लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हो? आप लोग भूत बन चुके हो, ये बंगला किसी का नहीं है। हाँ, एक काम कर दीजिए, ये बंगला हमारे नाम कर दीजिए। ना रहेगा बंगला, ना बजेगी बेल। इसका मतलब ना होगा झगड़ा। हाँ, वही वही। अच्छा, तो तुम लोगों की नजर मेरे बंगले पर है। तेरा कहाँ? मेरा मेरा बंगला। अरे मेरा बंगला, मेरा, अरे मेरा बंगला, मेरा बंगला, मेरा। तू मुझे बोतल में बंद करेगा? तू हमें बोतल में बंद करेगा? कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? मैं मैरी, इन दोनों के जीजा जी की सेक्रेटरी। उन्होंने हेल्प के लिए ही भेजा था मुझे। तो फिर हेल्प करो, मेरे भाई को बोतल में बंद करो। ये क्या मुझे बोतल में बंद करेगी? मैं इससे मजा चखाऊंगा। लप्पड़ जी, मैरी जी को छोड़ दीजिए, उन्होंने कुछ नहीं किया। मेरी मेरी को छोड़ दो, उन्होंने कुछ नहीं किया, मेरी जी को छोड़ दो। नहीं, पहले मैं अपने भाई का दिमाग ठीक करूंगा। छोटे, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन आपके आदमी का
इसका तो बिगाड़ सकता हूँ ना मैं, इसके साथ ऐसी फुटबॉल खेलूंगा इसकी हालत खराब हो जाएगी। ए, 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 प्रीतम! देख मैं तेरे आदमी की क्या हालत करता हूँ, ऐसा फुटबॉल खेलूंगा कि ये फुटबॉल की तरह गोल हो जाएगा। छोड़िए ना, लग जाएगी। उन दोनों को छोड़ दीजिए, उनके जो दीदी जीजा जी है ना वो बहुत पैसे वाले हैं, वो आपको नया बंगला दिला देंगे। इन दोनों को छोड़ दीजिए प्लीज। नहीं, मुझे यही बंगला चाहिए। हमें भी यही बंगला चाहिए। वो देखिए सिलेंडर, उसमें भूतों को बेहोश करने वाली गैस है। अब मुझे किक मार के वहां पहुंचाइए जल्दी। मेरे बैग में चाकू पड़ा, वो निकालिए और उस बॉल पे मारिए, ये बॉल फूट जाएगा और हम बाहर आ जाएंगे। ये ना। थैंक यू मैरी जी, थैंक यू सो मच। एक काम करता हूँ, मैं इन दोनों को बोतल में बंद कर लेता हूँ। पागल हो गया तू? अरे हम भूत पकड़ते हैं इंसानों के लिए, इन्हें किसके लिए पकड़ेंगे? अरे यार इन्होंने तो पैसे भी नहीं दिए। अरे इनको होश आ गया तो? नहीं, अगर इनको होश आ गया तो ये फिर से फुटबॉल बनाकर खेलना शुरू कर देंगे, उससे पहले ही हम लोग भाग जाते। अच्छा लगता है तीनों यहां से भाग गए। लगता है उन लोगों ने हमें बेवकूफ बनाया। तुझे बेवकूफ बनाने की जरूरत क्या है, तू तो है ही बेवकूफ। भैया उसने मुझे धोखा दिया है, यारे को मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, उसे मेरा काम करना ही होगा। मैं भी प्रीतम को नहीं छोड़ूंगा। और लपड़ भैया, आपको उसी के हाथों बोतल में बंद करवा के रहूंगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.